মানুষ কমপ্লিট এখানকার রিসার্চ এটা না আমার স্টুডেন্ট কি নাম হলো আমার নাম ডক্টর আবির চক্রবর্তী নাম থোড়া হিন্দি মেয়ে বাতা দিজিয়ে আবির চক্রবর্তী ডক্টর আবির চক্রবর্তী আপনার এসে শুনুন আয়ুষকান্ত মিশ্রা আয়ুষকান্ত মিশ্রা হ্যাপি পার্টি পদিতা আপনার কে বাতা না সয় টেস্ট না সয় টেস্ট হ্যাঁ সয় টেস্ট ও ই एक्चुअली পোর্টেবল সয় টেস্টিং কিট एक्चुअली क्या है जब हम जो लेबोरेटरी में सॉइल टेस्टिंग की एनालिसिस सॉइल टेस्ट करते हैं तो इसमें समय लगता है किसानों से मिट्टी लेकर सुखा के गुड़ा करके सारा करके उसमें बहुत एक्यूरेट आता है लेकिन उसमें समय लग जाता है तो पोर्टेबल किट है इसमें हम इसको फील्ड में ले जाके किसानों से मिट्टी लेके वहीं पे इसको मतलब मिट्टी में पांच पैरामीटर पीएच ऑर्गेनिक कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ये कितने मात्रा में है कम है या ज़्यादा है वो हम बता सकते हैं और ये खाली इसमें ये बहुत सरल पद्धति में है ताकि कोई भी किसान भी थोड़ा प्रशिक्षण ले ले हल्का तो इसमें जो स्टेप्स है फॉलो करने से आधे घंटे में एक एक पैरामीटर को निकाल के ले सकते हैं और उससे अभी जो मिनी किट मिल गया ब्लड टेस्ट सुगर टेस्ट करने के लिए इसी तरह हम इसमें कलर डेवलप करते हैं इसमें आप आधा घंटे में ऐसे कुछ रिएजन मिलाने से ये कलर डेवलप हो जाता है उसके चार्ट से हम एक चार्ट लिया हुआ है कलर चार्ट इसके साथ अगर हम मैच करते हैं चार्ट को पैरामीटर दे देते हैं पैरामीटर का भी वैल्यू दिया हुआ है जो भी दाग के साथ ये कलर को ये जाएगा उस दाग में इसका मान होगा तो इसकी वजह से कितने किसान भैया को भी जो थोड़ा सा इसको जानते हैं वो बता सकते हैं कि उसकी जमीन में जो खाद की मात्रा का ऊंचा है कम है और उसकी अनुसार खाद कितना डाले कम यदि वो कर सकते हैं सुना मौके मेरा नाम पार्थ देवड़ा है रिसर्च स्कॉलर है फूड एंड एग्रीकल्चर डिविजन प्रोफेसर सोम शुभ्र सर के अंदर में हम लोग रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट और
वेलकम मैडम, बताइए आपका क्या है जी? हम लोग काम करते हैं प्लांट्स के एरोमेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब उसका जो खुशबू है, अलग अलग प्लांट का अलग अलग स्मेल होता है, अलग अलग खुशबू होता है, तो उसका हम देखते हैं कि अलग अलग प्लांट में वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तरह तरह का ट्रीटमेंट देंगे। जैसे कि हम लोग लाइट ट्रीटमेंट देते हैं और शेड का ट्रीटमेंट देते हैं, अलग अलग कलर का शेडमेंट आता है उससे हम वो ट्रीटमेंट देते हैं जो सूरज की रोशनी है उसको फिल्टर करते हैं। अलग अलग प्लांट पे देखते हैं कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है कि नहीं, तो इसका जितना विटामिन्स है या फिर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जैसे कि खांसी जुकाम जो होता है उसके लिए जो जो प्रॉपर्टी होता है प्लांट में, वो कंपाउंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है अलग अलग ट्रीटमेंट में, वो हम लोग ये सब टेस्ट करने के बारे में। There are different types of algae, like these two are green algae and these two are blue green algae. कौन सा language बोलते हैं? बांग्ला बोलते हैं? हिंदी तो बोलते हैं, मार्केट सबाई बोलते हैं। हिंदी तो बोलते हैं? हिंदी तो बोलते हैं। एल्गी बहुत तरह का होता है, जैसे कि ग्रीन एल्गी, ये दोनों है। ग्रीन एल्गी से हम बायोफ्यूल जैसे कि बायोडीजल और बायोइथेनॉल बनाते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी ये दोनों इससे बायोइथेनॉल और फाइकोशायरिन ब्लू कलर का पिगमेंट होता है ये बनाते हैं। इसमें एक माइंड में नहीं आया, एक ज्वाइन जैसा महक मारता है पेड़ है। हाँ, जैसा महक होता है उसको प्लेक्रेंथस बोलते हैं। वो हल्का दाबने से पानी टाइप का निकलता है। हाँ, हाँ, वो अभी है हमारे पास, बट अभी है नहीं तो हम लोग दिखा नहीं पा रहे। बहुत स्मेल ही देता है। हाँ, वो एक बार हाथ लगाने से आपको समझ में आएगा। तो उसमें कैसे उसका यूज किया जाए, तो हम लोग का आइडिया नहीं घर में। जैसे कि उसको जंगली एरिया में मिलता है ज्यादा। हाँ, हम लोग झारखंड का से। हाँ, जंगली एरिया में ज्यादा मिलता है। हाँ, जंगल पहाड़ियों में ज्यादा मिलता है, उसको प्लेक्रेंथस बोलते हैं। वो जंगली जॉन से भी बोलते हैं वो। अगर बस एक पत्ता तोड़ के अगर आप सुबह ऐसे ही खा लोगे ना, तो आपका सर्दी जुकाम चला जाएगा। वो बहुत नॉर्मल जो जॉन का जो पौधा होता है उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो हम अगर यूज करते हैं तो वो भी हम लोग के लैब में हुआ है। आपका आप बता दिए, अपना परिचय बता दीजिए। अंबिका गोस्वामी, मैं यहाँ पे IIT खड़गपुर में PhD कर रही हूँ। PhD कर रही हूँ।